के रण में चुनावी जंग जो है वो तेज हो गई है और बटेंगे तो कटेंगे को लेकर वार पलटवार तेज हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी का मतलब क्या है और वो किसे बोल रहे हैं? आपको चुनावी रण में योगी और ओवैसी का वार पलटवार सिलसिलेवार दिखाते हैं। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब क्या है बोलो? तुम किसको बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे? और ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जो आजकल एक टूरिस्ट के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, तुम बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे ना, तो फिर आपको मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में 10 बच्चों जो मासूम बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद, जिनको न्यू नेटल केयर बोलते हैं उसमें रखा जाता है, 10 बच्चे जल के मर गए उसमें, वहां पर नहीं गए। यहां महाराष्ट्र में चुनाव है, आ गए और क्या बोल रहे, बटेंगे तो कटेंगे। मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को चलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था, इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए। मेरा विजदान मुझसे पुकार पुकार कर कह रहा है कि ये वो गयूर सरजमीन है औरंगाबाद ईस्ट की, जो किसी से नहीं डरने वालों की सरजमीन है। यहां पर इम्तियाज कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये जो मीर जाफर मीर सादिक की औलाद है, इनको बदतरीन शिकस्त आप और हम मिलकर देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ये मजलिस को कामयाब करेंगे ताकि औरंगाबाद ईस्ट की जनता का फायदा हो सके।